नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर जाऊँ प्रशांत धवन सो so, यूएसए ने ऑलरेडी भागना शुरू कर दिया है यूक्रेन से और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि बाकी कंट्रीज के डिप्लोमैट आज भी यूक्रेन की कैपिटल की में बने हुए हैं इंडियन डिप्लोमैट आपको मिलेंगे की में चाइनीज डिप्लोमैट्स मिलेंगे मगर अमेरिकन डिप्लोमैट पता नहीं क्यों सबसे पहले इनको लगता है कि इनकी सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है इन पर कोई खास खतरा होगा ये लोग सबसे पहले भागे हैं की से यहाँ पर आप देख पाओगे इस पर आर्टिकल है फॉर सिक्योरिटी रीजनस यूएस सेंड्स रिमेनिंग ऑन वॉयस इन यूक्रेन टू पोलैंड तो पूरा इन्होंने अब आज के समय जो अपना डिप्लोमेटिक मिशन था यूक्रेन में ये शिफ्ट कर दिया है बॉर्डर के थ्रू पोलैंड में और ये यूएस एक ऐसे टाइम में कर रहा है जब ऑलरेडी रशिया बहुत ही बड़ा हिस्सा कब्जा चुका है यूक्रेन का देखिए पहले तो कब्जाया है उसके बाद दो नए देश यहां पे डिक्लेयर रशिया ने कर दिए हैं इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं आज सुबह मैंने वीडियो डाली थी इस पर कि रशिया ने यूक्रेन का लोहानस और दौन्स्क का जो ये रीजन है ये कब्जाया यहाँ पर जो रिबेल ग्रुप्स थे इनको सपोर्ट किया वेपन दिए और फिर क्या दिया कि जी देखिए ये दोनों तो है आज के समय इंडिपेंडेंट देश हालांकि मैं ये ऐड कर दूँ कि रशिया ने जो ये दो नए इंडिपेंडेंट देश डिक्लेयर किए हैं इसका भी सारा लैंड अभी इन कंट्रीज के कंट्रोल में है नहीं यहाँ पर भी कुछ एरिया है जो यूक्रेनियन फोर्सेस कंट्रोल करती हैं मगर यूक्रेन यूएस और मैं कहूँगा कुछ हद तक बाकी कंट्रीज को भी डर अब ये है कि पुतिन यहाँ पर नहीं रुकने वाले अभी जो और लोहानस को देश बना दिया गया है यह बस शुरुआत है रशियन टैंक्स कभी भी ये यूएस का बयान है बहुत ही जल्द बेलारूस से सीधा यहाँ पहुंच सकती है में। और एक बार यहाँ पे कैपिटल कब्जा ली तो आप समझ लीजिए उसके बाद पूरा यूक्रेन ही रशिया का हो जाएगा हालांकि पर्सनली मैं मानता हूं कि अब ये सब होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है पुतिन को अभी के लिए जो चाहिए था वो अकॉम्पलिश कर चुके हैं दो में पुतिन ने क्राइमिया ले लिया ये एरिया बना दिया रशिया का पार्ट अब ये दोनों जो रीजन है इनको डिक्लेयर कर दिया है एस इंडिपेंडेंट कंट्री मेरे हिसाब से पुतिन आराम से अभी कुछ साल रुकेंगे और उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि बेलारूस के थ्रू या फिर नॉर्दर्न यूक्रेन से सीधा एक डायरेक्ट असोल्ट करेंगे यूक्रेन की कैपिटल कीव में ना यहां पर आप पूछेंगे मगर तब तक, तक रशिया का क्या प्लान होगा देखिए प्लान इनका बहुत ही सिंपल रहने वाला है पहले सबसे पहले तो रशिया दुनिया भर की जो भी कंट्रीज़ हैं जो भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको ये कहेंगी कि दौन्स्टैक और लोहानस का स्वागत करिए इनको एक्सेप्ट करिए एक्नोलेज बोथ ऑफ दीज कंट्रीज सीरिया ऑलरेडी मान चुका है मैंने आपको बताया था सीरिया उन पहले चुनिंदा देशों में से होगा जो ओपनली रिकोगनाइज कर लेगा लुहानस्क और दौन्स्क को अभी और भी बहुत सारे देश हैं चाइना नहीं होगा चाइना इंडिया सबसे दूर रहेंगे और भी बहुत सारे देश एक के बाद एक करके जो ये नए देश रशिया ने बना दिए हैं इनको रिकोगनाइज करना स्टार्ट कर देंगे उसके अलावा देखिए अब रशिया को ये भी अधिकार मिल चुका है एक ट्रीटी के जरिए कि रशिया मिलिट्री बेसिस यहाँ पर बिल्ड कर सकता है और सैटेलाइट इमेजेस आप अगर देखो तो उससे इंडिकेशन मिल रही है कि रशिया ने बहुत ही बड़े स्केल पर मिलिट्री बेसिस यहाँ पर बिल्ड करने स्टार्ट कर दिए हैं बेसिकली व्लादिमिर पुतिन ने किया यहाँ पर क्या कि यूक्रेन की धरती कब्जा ली उसके बाद अपनी आर्मी यहां पर भेज दी और फिर जो सो कॉल्ड यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है लुहांस के के प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर जो जो ये नए देश बन गए हैं इनके प्राइम मिनिस्टर हैं इनके साथ एक ट्रीटी साइन कर ली उसमें ये लिखा है कि 10 साल के लिए रशियन फोर्सेस इन दो देशों में मिलिट्री बेसिस ऑपरेट कर सकती है और ये डील अपने आप हर पांच साल में रिन्यू होती रहेगी अनलेस एक पार्टी इसको कैंसिल नहीं करती तो अभी रशिया का काम यही है कि जो ये नए देश बना दिए हैं इनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना और इनके आसपास का जो थोड़ा बहुत रीजन अभी भी यूक्रेन की फोर्सेस के पास है वो रीजन भी वापस प्रॉपरली इनके अंडर लाना नाउ नावसेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिल्कुल भी यूक्रेन की हेल्प में नहीं आ रहा है बाइडन पहले ही बोल चुके थे कि मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं करने वाला यूक्रेन के लिए बाइडन ने बहुत पहले हाथ खड़े कर दिए थे और मैं यहाँ पर यह कहूंगा यही निशानी होती है एक कमजोर लीडर की लोग मुझसे पूछ रहे कॉमेंट सेक्शन में लास्ट वीडियो में कि मैं क्यों बाइडन की आलोचना करता हूं क्यों मैं कहता हूं कि बाइडन एक कमज़ोर लीडर है आपके सामने है जस्ट लुक एट दिस हम लोगों को एक कंट्री को गवर्न करने का एक्सपीरियंस नहीं है मगर हम सब में कॉमन सेंस है आप लोग मुझे बताइए कि क्या बाइडन का ये बोलना एक सही निर्णय था आज से एक हफ्ते पहले ही कि यूएस यूक्रेन को बचाने के लिए नहीं जाएगा बोलने की क्या आवश्यकता थी आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप में एक यही कॉमन सेंस थी कि दुश्मन देश में एक भय बना के रखते थे चाहे नॉर्थ कोरिया हो या फिर चाइना हो कोई भी देश हो कभी कभी उनके बयान कुछ हद तक मैं कहूँगा अटपटे लगते थे उनकी जो ओवरऑल लैंग्वेज है इतनी पॉलिश थी नहीं मगर उनको एक बहुत ही बेसिक आइडिया बता रहा दुनिया के बारे में कि अपनी कमजोरी मत दिखाओ जहां पे अपनी आप कमजोरी दिखाओगे दूसरे देश आपका फायदा उठाएंगे बाइडन ने लिटरली यहां पर ओपन इनविटेशन दे दिया था रशिया को यह बोलकर कि यूएस यूक्रेन की हेल्प पे नहीं आने वाला और अब देखिए बाइडन का जो ये रवैया है इसका एक एक्स्ट्रा नेगेटिव इंपैक्ट भी आपको दिखेगा वो नेगेटिव इंपैक्ट है एक न्यूक्लियर वॉर का जी हाँ ये मैं यहां पर आपको बोल दू के अब कोई ऐसा नहीं है कि बस एक थ्योरी है या फिर हो सकता है नहीं हो सकता ये थ्रेट काफी हद तक अब रियल हो चुका है क्योंकि यूक्रेन आज के समय लड़ रहा है अपने सर्वाइवल के लिए और यूक्रेन ने अब संकेत देने स्टार्ट कर दिए हैं कि ये लोग बहुत ही जल्द एक न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करना स्टार्ट कर देंगे न्यूक्लियर वेपन्स के बिना ये देश बच नहीं पाएगा और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि यूक्रेनियंस आज के समय एक्चुअली 1994 को देखकर पछताते होंगे और ये सोचते होंगे कि काश हमारे पुराने लीडर्स ने बूदापेस्ट मेमोरेंडम को साइन ना किया होता ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ इतनी बेसिक हिस्ट्री तो आपको पता होगी कि यूएसएसआर टूटा था 1991 में उसी समय यूक्रेन को आज़ादी मिल गई थी यूक्रेन एक देश बन गया था नाउ यूक्रेन सिंस एक टाइम पर यूएसएसआर का पार्ट था तो यूएसएसआर के कई न्यूक्लियर वॉर हैड कई न्यूक्लियर मिसाइल यूक्रेन में थे अब रशियन फेडरेशन एक देश खड़ा हो गया रशियन फेडरेशन ने यूक्रेन को ये कहा हम आपको आश्वासन देते हैं बूधापस्ट मेमोरेंडम हम साइन करते हैं और उसके अंडर हम आपको ये कह रहे हैं कि जो भी न्यूक्लियर यहाँ पर आपके पास वॉरहेड है मिसाइल है ये हमको दे दो उसके बदले में आपको ये अश्योरेंस है कि कभी भी आपको इन्वेड नहीं किया जाएगा तो रशिया ने आप कह लीजिए जो रिसेंट इन्वेजन करी है चाहे क्राइमिया की हो या फिर जो नए देश बना दिए हैं ये ना सिर्फ मिन्स डिक्लेरेशन बूदापेस्ट मेमोरेंडम का भी वायलेशन है जहां पर रशिया ने चुपचाप यूक्रेन के न्यूक्लियर वेपन तो ले लिए मगर उसके बाद यूक्रेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना दूर की बात है खुद ही यूक्रेन को अटैक करना स्टार्ट कर दिया तो यह है यूक्रेन का न्यूक्लियर रिग्रेट और इस रिग्रेट को ठीक करने के लिए अब यूक्रेन की सरकार सोच रही है कि ठीक है अगर ईरान बना सकता है तो यह भी आसानी है कि अनपढ़ लोग हैं यह भी कोशिश करेंगे इन द फ्यूचर के न्यूक्लियर वॉरहेड पे काम करना स्टार्ट कर दे और यह बात व्लादिमिर पुतिन को भी पता है रिसेंटली पुतिन ने जब स्पीच दिया इस इशू इस को लेकर तो पुतिन ने यहां पर ओपनली कहा है कि वी ऑल्सो नो दैट स्टेटमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन मेड दैट यूक्रेन इंटेंड्स टू डेवलप इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन एंड इट इज नॉट एन एम टी ब्रवाडो यूक्रेन इन डीड हैज सोवियत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस तो रशियंस ये मान रहे हैं कि एक बार को नाइनटीन नाइनटी फोर में यूक्रेन ने चाहे वॉरहेड पकड़ा दी हो रशिया को मगर जो ब्लू प्रिंट है जो डिजाइन है न्यूक्लियर वेपन्स के ये आज भी यूक्रेन के पास है इनके साइंटिस्ट के पास इतनी नॉलेज है कि जल्दी से ये डेवलप कर पाए न्यूक्लियर वेपन तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है इट इज़ वेरी इजी टू सी जैसे ही यूक्रेन ईरान की तरह न्यूक्लियर वेपन बनाने स्टार्ट करेगा ये न्यूक्लियर वेपन के थोड़े बहुत भी करीब पहुंचेंगे रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन यहां पर कर देनी है और यूक्रेन को नक्शे से रशिया मिटा देगा तो टेंशन यूक्रेन के इशू को लेकर खत्म हुई नहीं है ये इशू पूरी दुनिया के लिए एक सरदर्द बना रहेगा आने वाले कई सालों तक दिस इज ओनली द बिगेनिंग और इसलिए इंडिया ने भी यहां पर यूएन में ओपनली ये कहा है कि हम लोग डीपली कंसर्न है ओवर द टेंशन सारी दुनिया देख रही है कि कहानी कहाँ पे जारी है इवेंचुअली Uh, या तो यूक्रेन बचेगा विद न्यूक्लियर वेपन्स या तो यूक्रेन एज ए कंट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा आने वाले कुछ सालों में देखना होगा कि हाँ होता क्या है इधर वे इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के वट द फ्यूचर होल्ड्स ना यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन क्या आप मानते हैं यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने चाहिए या आप मानते हैं कि नहीं यूक्रेन का आप कोशिश यहाँ पर यह होनी चाहिए कि बिल्कुल न्यूट्रल रहे ये सारा इशू शुरू ही तब हुआ था जब यूक्रेन ने कह दिया था कि ये लोग नेटो को ज्वाइन करेंगे ये लोग प्रो यूरोप बनेंगे यूक्रेन को अपनी पूरी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए एक बार को आप कह लीजिए बहुत ही मुश्किल समय में ह्यूमिनिटी दिखानी चाहिए तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह मैं जेनअनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन और फाइनली यहां पर मैं ये भी ऐड कर दू कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे यूपीएससी एस एस सी बैंक एनी एग्जामिनेशन सिंपली डॉट कॉम पे चूज करो एग्जाम फिर चॉइस फॉर एक्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर बैंक एग्जामिनेशन क्लिक ओवर हेयर ऑन बैंक एग्जाम्स और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस अगर आपके पास अभी दो साल का टाइम है आप आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो ट्वेंटी फोर मंथ पे मगर जो यहाँ पे प्राइसेस लिखे हैं थ्री नाइन्टी रुपीज़ पर मंथ पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो पी टेन एंड द प्राइसेज विल स्टार्ट फॉलो और मेरे द्वारा बनाई गई फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है सीधा जाओ कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस लिंक पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज पर मेड बाय मी यहाँ पे आपको मंडे से फ्राइडे टेस्ट मिलेंगे टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स अफेयरली फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये है यहाँ पर वीडियो का अंत थैंक यू फॉर लिस्टिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल